हेलो डिफेंस लवर्स, अभी कुछ समय पहले हमने एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने इस चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की थी, जो थी डिसेबल्ड कैडेट्स के रिगार्डिंग, यानी कि ऐसे कैडेट्स जो कि मिलिट्री एकेडमीज में अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान किसी न किसी हादसे की वजह से डिसेबल्ड हो जाते हैं और फिर जिसके बाद उन कैडेट्स को बिना किसी एक्स सर्विसमैन स्टेटस के और बिना किसी डिसेबिलिटी पेंशन के एकेडमी से मेडिकली बोर्डेड आउट कर दिया जाता है। और उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने हमारे उस डिसेबिलिटी कैडेट्स वाली वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उन्हें ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को बाद में देखें, पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी के बाद आपको इस वीडियो का मेन पर्पस समझ आएगा। और डिसेबल्ड कैडेट्स वाली वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। और बाकी जो डिसेबल कैडेट्स वाली वीडियो देख चुके हैं तो उन्हें ये भी मालूम होगा कि डिसेबल कैडेट्स को उनका पूरा हक दिलाने के लिए मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और ये वो इंसान हैं जिन्होंने डिसेबल कैडेट्स के हक में आवाज उठाई है। लेकिन आज इस विषय पर हम एक बार फिर से वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया हैंडल पर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था और उस लेटर से एक तरह की कंफ्यूजन बन गई थी कि क्या डिसेबल कैडेट्स के लिए जो डिमांड की गई थी वो डिमांड पूरी हो गई है या नहीं हुई है। और कईयों ने इस लेटर को देखकर ऐसा अज्यूम किया कि डिसेबल कैडेट्स के लिए जो डिमांड की गई थी वो पूरी हो चुकी है। और फिर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कांटेक्ट किया मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी को, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो इस कंफ्यूजन को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और अब आप खुद ही उनके माध्यम से सुनिए ये जो लेटर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था इसका क्या सच है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नमस्कार, मैं अंकुर चतुर्वेदी बहुत आभारी हूँ डिफेंस एक्सपी का जिन्होंने डिसेबल्ड कैडेट्स के विषय में एक वीडियो बनाया। इस वीडियो बनने के कुछ दिन बाद ब्रिगेडियर करतार सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के जवाब में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस की तरफ से जो आज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो आज एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं कैडेट्स के लिए, वो लिख के भेजे गए। ये चिट्ठी सोशल मीडिया में इस तरह से दिखाई जा रही है कि डिसेबल्ड कैडेट्स की जो लड़ाई है उसमें जीत प्राप्त हो चुकी है और डिसेबल्ड कैडेट्स को न्याय मिल चुका है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज की डेट में डिसेबल्ड कैडेट्स को मंथली एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। ये 1996 में ये पॉलिसी बनी थी, इफेक्टिव 1986, और आज भी वही पॉलिसी लागू है। मंथली एक्सग्रेशिया डिसेबिलिटी पेंशन की तर्ज पे दिया जाता है, लेकिन इसको पेंशन नहीं माना जाता। इसकी वजह से कैडेट्स को जो आम सुविधाएं हैं जैसे कि मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या ECHS, उनसे वंचित किया जाता है। साथ साथ ESM का दर्जा ना होने के कारण कैडेट्स को रीएम्प्लॉयमेंट और अपना दोबारा से कोई करियर स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। इस पॉलिसी में मुझे कुछ आपत्ति है। जो एक डिसेबल्ड कैडेट्स को दिया जाता है उसको कहा जा रहा है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का इंग्लिश में मतलब होता है अमाउंट पेड व्हेन नन इज ड्यू। जहरीली शराब पी के मर जाने वालों को भी ज्यादातर सरकारें एक्स ग्रेशिया दी जाती हैं। क्या एक नौजवान जो देश की सेवा के लिए ट्रेनिंग करते हुए चोटिल हो, अपाहिज हो जाए, उसको जो भत्ता दिया जा रहा है उसको एक्स ग्रेशिया कहना जायज है? दूसरी बात आती है कि एक्स ग्रेशिया का जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप डी की सैलरी से लिंक किया गया है। मतलब जो नौजवान भारतीय सेना के अफसर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, अगर चोटिल होके विकलांग हो जाएं और उनको बोर्ड आउट कर दिया जाए तो उनको एक चपरासी की दर पे एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। क्या एक कैडेट को चपरासी से मिलाना उचित है? इस चिट्ठी में इंश्योरेंस के बारे में भी बात की गई है, जबकि इंश्योरेंस सरकार नहीं देती। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि भारतीय सैनिकों को इंक्लूडिंग कैडेट्स सरकार इंश्योरेंस नहीं देती। इंश्योरेंस एक प्राइवेट सोसाइटी जो कि
आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड या नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो हैं, ये सब प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनका प्रीमियम कैडेट के पेरेंट्स या कैडेट खुद अपने स्टाइपेंड में से भरते हैं। ये इंश्योरेंस का पैसा सरकार की तरफ से नहीं है, इसको सरकार को बेनिफिट के तर्ज पे तौलना उचित नहीं है। यही सब बातें कई अरसे से चल रही हैं और मैं और मेरे कुछ साथी इसको लेके काफी दिनों से कार्यरत हैं। श्री मनोहर पारिकर जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री, इस टॉपिक पे काफी इन्वॉल्व हुए और एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनी थी लेफ्टिनेंट जनरल सवरवाल के अंडर में। उसने भी रिकमेंड किया दैट कैडेट शुड बी ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन विच शुड बी लिंक्ड टू द स्टाइपेंड और द लेफ्टिनेंट सैलरी एंड द टर्म ऑफ एक्स ग्रेशिया शुड बी चेंज टू डिसेबिलिटी पेंशन। ये सिर्फ नाम चेंज करके और इसका अमाउंट ठीक करने की बात है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो जूनियर ब्यूरोक्रेसी है, अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने आप को इस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट से भी ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं और उन्होंने बजाय इसको लागू करने के बाकी सारे डिपार्टमेंट से उनकी राय मांगी। वो डिपार्टमेंट आर्मी नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, सीडीए, इन सब के पास जब ये रिक्वेस्ट गई तो सबने कहा कि हाँ इसको इमिडिएटली लागू कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने फिर भी इसको लागू नहीं किया और कहा कि ये लागू करने के लिए कैडेट्स के ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस में काउंट करना पड़ेगा, उनको आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट के अंडर में आना होगा और ट्रेनिंग के दौरान उनको पूरी तनख्वाह सैलरी देनी होगी। उनकी ये राय घूमते फूरते जैग ब्रांच में पहुंची। जैग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारतीय सेना के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं, इज द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। जैग ब्रांच से जवाब आया कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई रूल नहीं चेंज करने, सिर्फ पेंशन रेगुलेशन में आप एक लाइन ऐड कर दीजिए कि अगर कोई कैडेट ट्रेनिंग के दौरान चोटिल होता है और बोर्ड आउट हो जाता है, सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग हिज फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट्स, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द डिसेबिलिटी अकर्ड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ कमीशन सर्विस। नॉर्मली लॉ ऑफिसर की राय को कोई भी अनदेखा नहीं करता और इसी के तर्ज पे एक चिट्ठी भी बनाई गई कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन स्टेटस और डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए। ये चिट्ठी नवंबर 2018 में बनी, ड्राफ्ट लेटर साइन होने के लिए गया, लेकिन वो साइन नहीं हुआ क्योंकि वहां पर फिर ये अड़ंगा लगा दिया गया दैट कैडेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर आर्मी एक्ट एंड कैडेट्स डू नॉट गेट सैलरी सो दे कैन नॉट बी ग्रांटेड एक्स सर्विसमैन स्टेटस। अब दुख की बात यह है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं ये दोनों झूठ हैं। आज भी अगर आप सीडीएस का नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा गया है दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड अंडर द आर्मी एक्ट। आप मुझे ज्वाइन करने से पहले कहते हैं दैट आई विल बी एनरोल्ड अंडर द आर्मी एक्ट, और अगर ट्रेनिंग के दौरान मुझे चोट लग जाती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आर्मी एक्ट में कवर्ड नहीं हूं? सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो जा रहा हूं, लेकिन यह बात सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की नहीं है। 1974 के स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन में भी यही बात हूबहू लिखी गई है, फिर भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के जूनियर नौकरशाह झूठ बोल के कैडेट्स को डिनाई कर रहे हैं। अब बात आती है सैलरी की। आईएमए, ओटीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट्स को स्टाइपेंड दिया जाता है। यह स्टाइपेंड उसी हेड से दिया जाता है जिससे डिफेंस ऑफिसर्स की सैलरी दी जाती है। इस स्टाइपेंड को देने वाला जो सर्कुलर है
उसमें लिखा गया है ग्रांट ऑफ फिक्स्ड पे टू जेंटलमैन कैडेट्स विच विल बी कॉल्ड बाय द नेम स्टाइपेंड विच विल इंक्लूड ग्रेड पे प्लस बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इन पे बैंड 10। अब ग्रेड पे और बेसिक पे अगर है तो आप उसको सैलरी कैसे नहीं मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब टैक्स लेने की बात आती है, इनकम टैक्स लेने की बात आती है, तो उसी स्टाइपेंड को आप सैलरी इनकम मानते हैं। लेकिन जब एक कैडेट बोर्ड आउट हो जा रहा है, तब आप इसको सैलरी मानने से इनकार कर रहे हैं। इस सब निराशा के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि काफी सीनियर ऑफिसर्स और रक्षा मंत्री खुद इस मुद्दे में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कैडेट्स को मेडिकल कवर, एक्स सर्विसमैन स्टेटस और डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी। जय हिंद। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद इस लेटर को लेकर आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। और अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने डिसेबल कैडेट्स वाली पहली वीडियो में अपना एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया था, आप वैसा ही सपोर्ट इस वीडियो में भी देंगे। इस बार हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को ट्विटर पर जाकर #DisableCadets और #DisabledOfficerTrainees के साथ शेयर जरूर करें। और केवल शेयर नहीं करें बल्कि ऑफिशियल अथॉरिटीज को टैग भी करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाई गई है वो उद्देश्य पूरा हो सके। और इसी वीडियो के रिगार्डिंग आपको एक पोस्ट हमारे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप उस पोस्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रीट्वीट भी जरूर करें। और हमारे ट्विटर हैंडल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे डिसेबल कैडेट को जानते हैं जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप खुद एक डिसेबल कैडेट हैं, तो हमने मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें।